हे गाइस, माय नेम इज रुद्र। यू आर वाचिंग आपका अपना चैनल रुद्र ब्लॉग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मेरा एम ये है, मैंने ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से जो है आईफोन 12 128GB वाला वेरिएंट। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, भैया फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड अवेयर रहो। तो फ्रॉड ये हो रहा है कि उन लोगों के फ़ोन बॉक्सेस के अंदर से रिन बार निकल रहा है, किसी के में विम बार निकल रहा है। भैया बर्तन धोना है, 50,000 रुपये बर्तन धोने के लिए खर्च करें। टाइम हो रहा है 1:08 PM। दो मिनट पहले मेरे पास मैसेज आया हुआ था, योर आइटम इज़ आउट फॉर डिलीवरी। तो भैया देखते हैं कब लेकर आते हैं भैया, और अपने पास विम बार निकलता है या फिर iPhone 12। क्या बढ़िया था गुरु। टाइम हो रहा है 3:15 और अभी भैया आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं। तो भाई फाइनली अपना रीच्ड हो चुका है आईफोन 12 और अभी भैया आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और भाई अपना आईफोन 12 इधर है, आ चुका है फाइनली रीच्ड। वाओ, तो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया भाई, देख सकते हो बिल्कुल गजब ही लग रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो चलिए एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो भाई इधर आ चुका है अपना एप्पल, तो इट्स अ जेन्युइन प्रोडक्ट। अब देखो अभी यहाँ से जाने का है अपने को सेटिंग पे, ठीक है, सेटिंग पे गए आपके सामने, उसके बाद यहाँ से गए जनरल पे। जनरल, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? 414, हाँ ठीक है, 816, हाँ 275, हाँ सही तो है। चलो ठीक है, IMEI नंबर मैच कर रहा है, इसका कोई इशू नहीं है भाई। तो भाई अभी अपना आईफोन 12 है जेन्युइन, कोई दिक्कत नहीं है। भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने अच्छे से पेशेंट करा और अपना फोन चेक कराया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच भैया। तो बाय बाय, टेक केयर। क्या नहीं क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपने फ़ोन की डिलीवरी लेते समय IMEI नंबर अपने फ़ोन से, बॉक्स से और फ्लिपकार्ट की स्लिप से, तीनों चीज़ों से मैच करी। जब मेरा परफेक्टली मैच कर गया और मैंने फ़ोन में सभी चीज़ ऑन करके सब कुछ परफेक्टली चेक करने के बाद ही मैंने उनको जाने दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप फ़ोन की डिलीवरी लें तो बिना परफेक्टली चेक करें उन्हें जाने न दें। एंड हाँ, एक चीज़ और, जो आपका OTP नंबर होता है जो उन्हें शेयर करना होता है, वो तभी बताएं जब आप पूरे अश्योर हो जाएं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। फाइनली मैंने रिसीव कर लिया है अपना आईफोन 12 और इसकी कुछ बातें, इसके फ्रंट पे, फ्रंट ग्लास पे, स्क्रीन पे और बैक पैनल पे, साइड पैनल पे कहीं पे भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। मैंने इसको परफेक्टली चेक करा था, इट्स अ प्योर स्क्रैचलेस फ़ोन, और भाई बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी मैं बताता हूँ इसके साथ क्या क्या मिला है। एक ये केबल मिली है, अडैप्टर मेरे को अलग से लेना पड़ेगा, वो अलग से ही लेना पड़ता है, 12 में अपना ही आता है। और ये एप्पल स्टिकर है और ये सिम टूल किट है, बस इतना। तो गाइस इनफ फॉर टुडे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े और लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। जैसे कि आपने देखा, मैंने कितने सब कुछ परफेक्टली चेक करने के बाद ही फ़ोन रिसीव करा, ऐसे आपको भी करना चाहिए, ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, वरना आप भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।